एक आदमी को 16 लाख रुपया दिया, कैश में दिया, और कहा कि तुम ये पैसा बाद में लौटाना और सबूत के रूप में तुम हमारे साथ अपने प्रॉपर्टी का एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट करो, और घर है, जमीन है। तो कुछ दिन के बाद जाकर डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ। 11 तारीख के ही इस टाइम पेपर पर ये सारे कागजात तैयार किए हुए हैं। अब जब वह पैसा लौटाने के लिए जा रहा है 1.5 साल से, तो कहा जा रहा है कि हम तुम्हारी ज़मीन ही लेंगे, और एक बार में 15 लाख दिया, जब होने लगा तो पूरा जो स्लिप जोड़ेंगे 16 लाख का स्टैंप पेपर पर हुआ। एक साल के बाद जब ये दबाव बनाया कि पैसा आप ले लीजिए, हमको कागज़ दे दीजिए, जो आपने हमसे पावर ऑफ अटॉर्नी लिया है हमारे प्रॉपर्टी का, तो उसके बाद से उसके पूरे परिवार को कदमा थाना में बुला कर रखा गया। उसको बुलाकर थाने में उसकी पिटाई की गई, और जब भी वो विरोध करता था तो थाना पुलिस उसको प्रताड़ित करता था। आज ही जाकर March 5, 2019 को लिखित रूप में शिकायत किया उपायुक्त के यहाँ, इसकी कॉपी आपको हमने दिया है, उसमें डिटेल है। उसकी कॉपी उन्होंने दिया सीनियर एसपी को भी, उसकी कॉपी है या मुख्यमंत्री को भी। उसके बाद भी प्रताड़ना जारी रही तो उस परिवार ने CJM के यहाँ एक इंफॉर्मेटरी पिटीशन दिया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, जिसकी कॉपी हमारे पास है। इसके बाद और उसके ऊपर आतंकित करने की घटना बढ़ने लगी, तो उसने हाईकोर्ट में जाकर एक PIL किया। तो जब PIL हुआ तब तो ये बात सार्वजनिक हो गई। PIL होते ही सरकार को हाईकोर्ट से सूचना चली जाती है, और यहाँ भी उसने सीनियर SP को, DC को, मुख्यमंत्री को लीक कर दिया। मेरा सवाल इसमें यही है कि जब नोटबंदी के 3 दिन बाद जब ये सारे नोट अवैध कर दिए गए, तब अगर कोई ट्रांजैक्शन करता है तो अपने आप में एक अपराध है। इसकी सूचना जैसे ही मिलती है वैसे ही किसी भी सक्षम अधिकारी को ये मामला इनकम टैक्स के पास भेजना चाहिए था कि आप जांच करिए जो धन है उसका स्रोत क्या है, ये धन काला धन है, सफ़ेद धन है।